नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अगले वीडियो में। मेरा नाम है संजय नेगी, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद संजय। बाइक और घोड़ों की रेस होती है, शायद वो खच्चर है, सॉरी माफ़ कीजिएगा मुझे। यह श्रीनगर से रुद्रप्रयाग वीडियो सीरीज़ का दूसरा वीडियो है, दूसरा एवं आखिरी। पहले वीडियो में आपने श्रीनगर से खांकरा तक का सफ़र देखा था, इस वाले में आप खांकरा से आगे का आप सफ़र देखोगे। खांकरा में भी रेलवे टनल का काम चल रहा है, नीचे इनके ऑफिस वगैरह बने हुए हैं। रोड की अगर मैं बात करूं तो श्रीनगर से जो अपना श्रीनगर का डैम है वहां तक रोड अच्छी थी, फिर उसके बाद रोड थोड़ा बेकार है, और फिर चंदार से रोड अच्छी है अपना कलेसौड़ और जो कपड़ा से पुल बनना है वहाँ तक, फिर उसके बाद रोड की कंडीशन कुछ ऐसी है। जो पपड़ासू पुल बन रहा है वो यहाँ जाके मिलेगा इस वाले रूट पे, ये इसका पॉइंट होगा। यहाँ से रोड एक पुल सामने पहाड़ी पे जाएगा और फिर इस पहाड़ी से उस वाली पहाड़ी में नदी के साइड, ये नीचे पानी का गदेरा है, गदेरा में पानी का नाला टाइप का, अगर आप लोग उत्तराखंड से नहीं हो तो आप लोग पानी का नाला समझ सकते हो, बस साफ पानी का नाला। और अगर आप उत्तराखंड से हो तो आप समझ जाओगे गदेरा किसे कहते हैं, या फिर बरसाती नदी भी उसे कह सकते हैं। नाला तो थोड़ा गंदा हो गया है बट बरसाती नदी से कह सकते हैं। फिर इसके बाद ये अलकनंदा के ऊपर से होता हुआ पपड़ासू वाले पोर्शन में ले गया, और फिर पपड़ासू से जो सिरोपकड़ वाला पोर्शन है वहाँ पे मिलेगा अलकनंदा नदी के ऊपर से। यहाँ पे एक होटल है काफ़ी बड़ा, काफ़ी लोग यहाँ पे रुकते हैं। एक दो यूट्यूबर्स का मैंने वीडियो देखा था जिन्होंने केदारनाथ तक सफ़र किया था, तो वो लोग यहाँ पे रुके थे। उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अदरवाइज कहेंगे कि हमारे नाम का यूज़ करके अपने चैनल में अपने व्यूज़ बढ़ाए जा रहे हैं, तो मुझे वो काम नहीं करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पत्थर वगैरह गिर रखे हैं, तो ये पहाड़ी पे काफ़ी खतरनाक हो जाता है। अगर आप ड्राइव कर रहे हो ऊपर से पत्थर गिर गया तो काफ़ी डेंजर हो जाता है। इस साल मुझे लगता है कि इस रूट पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा, अभी से बहुत सारी गाड़ियाँ चलनी स्टार्ट हो गई है, जबकि अभी बद्रीनाथ केदारनाथ और हेमकुंड के कपाट नहीं खुले हैं, और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है इस कंपेयर जैसे पहले रहता था ट्रैफिक, उससे एक बार पोर्शन में काफ़ी ख़तरनाक है। हालांकि यहाँ पे ये नीचे से पुश्ता दे रहे हैं रोड को सपोर्ट करने के लिए, बट ये जो पहाड़ी है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, थोड़ी सी बरसात में भी पहाड़ी से मलबा गिरना स्टार्ट हो जाता है। मलबा ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है क्योंकि मलबा इजीली साफ़ हो जाता है, पर जब पत्थर निकलते हैं पहाड़ी से, पत्थर टूटता है पहाड़ी का, वो ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा अगर पत्थर गिरता है तो फिर उसको तोड़ के हटाना ही होता है, वैसे आप उसको नहीं पलटा सकते हो चाहे कितनी बड़ी मशीनरी लगा लो आप, और अगर आप उसको पलटाओगे तो वो आपके जो साइड में वॉल दी होती है पुश्ता जिसे कहते हैं उसके लिए डेंजरस हो जाता है, क्योंकि वो पुश्ता उसका वेट नहीं संभाल पाता। यहाँ तक रोड अच्छा था, अब यहाँ से रोड ख़राब है शायद, अगर जो मैं सही होता हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले तो ख़राब था रोड, अभी भी लगता है ख़राब ही है। जेसीबी से यहाँ पे खुदाई चल रही है, तो मुझे नहीं लगता शायद मुझे जाना चाहिए।
बस आप वेट कीजिए। जगह कहाँ है भाई? एक मिनट, एक मिनट। मैंने उस डंपर वाले के सामने गाड़ी लगा ली थी, तो वहाँ पे कोई बताने वाला भी नहीं है कि आप पीछे लगाओ गाड़ी या यहाँ लगाओ गाड़ी। तो ऐसे तो यहाँ पे काम चल रहे हैं, वो तो ठीक था, मेरे पास बाइक है, अगर कार होती तो फिर दिक्कत हो जाती। ये नरकोटा में जो टनल बन रही है उसका काम, अब इन्होंने यहाँ पे एक टीन की वॉल लगा दी है। यहाँ से रोड अच्छा है रुद्रप्रयाग तक, और अगर आपको केदारनाथ जाना है तो शायद आपका अगर सुने तो रोड अच्छा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और बद्रीनाथ की ओर अगर जाना है तो रुद्रप्रयाग में तो फिर रोड सकरा है, और उल्टा से थोड़ा आगे तक तो रोड अच्छा है, फिर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पे भी। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे तब अच्छा लगता है घूमना जब सीजन नहीं होता है, ट्रैफिक कम होता है, जब ट्रैफिक ज़्यादा होता तो तब मुझे घूमना अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं किसी स्पॉट पर जा रहा हूँ घूमने के लिए तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऑफ सीजन में जाऊँ, उसके अपने नुकसान भी हैं तो अपने फ़ायदे भी हैं। ऑफ सीजन में जैसे अगर आप जाते हो तो आपको एक तो ट्रैफिक कम मिलता है, वहाँ जहाँ जिस लोकेशन पे आप जा रहे हो वहाँ पे भीड़ भाड़ भी कम मिलेगी आपको, और अगर आप सीजन में जाओगे तो आपको ट्रैफिक भी ज़्यादा मिलेगा। ओहो कितनी आवाज़ कर रही, या तो उसके ब्रेक ख़राब हैं या फिर उसमें इतना ज़्यादा लोड है कि वो अगर वाहन चलाते हुए गाड़ी चलाते हुए पीछे से ऐसी आवाज़ आए तो कोई भी इंसान डर सकता है। ये तो अच्छा था कि वो मेरे सामने ट्रक था तो मुझे अंदाज़ा हो गया ये इससे ही आवाज़ आ रही है। सामने गुलाबराई का पोर्शन दिखता हुआ, तब हम लोग रुद्रप्रयाग बाईपास पहुंच चुके हैं। मैं सोचता हूँ यहाँ से मैं लेफ्ट बाईपास होते हुए जाऊँ और मार्केट से आते हुए जो ऊपर से रोड आ रही है उससे आऊँ, तो यहाँ तक ही मैं वीडियो बनाऊँगा अगर इसमें बैटरी बची रही तो, कि GoPro में काफ़ी जल्दी शायद बैटरी लेता है और
हाईवे काफ़ी बड़ी है, हालांकि मेरे पर 128 GB का डेटा कार्ड है तो मुझे उसकी टेंशन तो नहीं है स्पेस की, बैटरी की जरूर टेंशन है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद भी मैंने अपना GoPro यूज़ किया है। बैटरी बैकअप का भी अंदाज़ा नहीं है कि कितना दे रहा है। अभी आप मार्च के महीने में यहाँ का व्यू देखिए और मैं कोशिश करूँगा कि मैं बरसात के बाद या बरसात के टाइम पे भी एक वीडियो शूट करूँ यहाँ का, तो फिर आप कंपेयर करना कि कितना फ़र्क पड़ जाता है बरसात से पहाड़ों में। रोड की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि ऑब्वियसली वो रोड बरसात में टूटती है, बट लेकिन ये सारा जो पोर्शन है जो आपको थोड़ा सा भी इतना हरा नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये बिल्कुल हरा हो जाता है, आँखों को सुकून पहुँचाने वाला हरा। उत्तरकाशी यहाँ से 46 किलोमीटर है और तिलवाड़ा 9 किलोमीटर। आज से आपको रुद्रप्रयाग का नज़ारा दिखता हुआ, मैंने इससे पहले जो रुद्रप्रयाग से और कैलाश तक का एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको संगम वगैरह का व्यू भी दिखाया था। मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दे दूं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा था और इस वीडियो से मेरे साथ जुड़े हैं तो वो उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी तक हम अलकनंदा नदी के किनारे से आ रहे थे, हमारे साथ साथ नदी बह रही थी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो नदी बह रही थी वो अलकनंदा थी और जो अब हमारे राइट हैंड साइड पे है ये मंदाकिनी है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है, जो लोग अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बद्रीनाथ से मंदाकिनी आती है और केदारनाथ से बद्रीनाथ से अलकनंदा आती है और केदारनाथ से मंदाकिनी। ये किस प्रकार से पुल बनाए हुए हैं, तो हम लोग अभी मंदाकिनी के ऊपर से जा रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट हैंड पे केदारनाथ के रूट पर जाता है और राइट हैंड पे रुद्रप्रयाग के लिए। यह है रुद्रप्रयाग का संगम, मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम। दोनों नदियों के आपको रंग में फर्क साफ दिख सकता है और ये टनल है, काफी पुरानी टनल है ये रुद्रप्रयाग की। आई होप को आपको दिख रहा होगा टनल में।
अभी जो हम लोग आए थे वो मंदाकिनी वाले पुल से आए थे, और अब हम लोग ये अलगनाथ के ऊपर बना हुआ पुल से जाएंगे। यह है जी आपका अलकनंदा के ऊपर बना हुआ पुल, रुपया का ये लगभग सबसे पुराना पुल में से है। ये अलकनंदा नदी बहती हुई, ये जो मकड़ी बाजार आपका, यहाँ से बद्रीनाथ पे रोड चली जाती है और ये राइट हमें रुद्रप्रयाग बाजार के लिए। अभी बैटरी इसमें कम है, मुझे नहीं पता है कि कब ये समाप्त हो जाएगी। बैटरी ख़त्म हो गई थी जिस कारण से मैं आगे वीडियो शूट नहीं कर पाया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।